तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल में पता हो ही गया होगा कि मैं इसमें आपको पैन कार्ड का एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए बताऊंगा। अगर आपने पैन कार्ड कहीं से भी बनवाया है, यूटीआई के माध्यम से बनवाए हों या एनएसडीएल के माध्यम से बनवाए होंगे, तो आपको यूटीआई का जो पैन कार्ड होता है या तो एनएसडीएल का पैन कार्ड होता है, उसका स्टेटस चेक करने के लिए इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपको स्टेटस कैसे चेक करना है। आप अपने मोबाइल से भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, जैसे मैं इसमें आपको सिस्टम बताऊँगा उसी तरह से आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए आपको इसमें कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मन में कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे आपका अगर यूटीआई के माध्यम से बना होगा तो रिसीविंग पर आपका यूटीआई लिखा हुआ होगा, अगर एनएसडीएल के माध्यम से बना होगा तो एनएसडीएल लिखा हुआ होगा। जैसे मेरे पास एक रिसीविंग है तो रिसीविंग को मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पर रिसीविंग है, यहाँ पर पैन कार्ड का एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर मेरा फॉर्म नंबर 49 बनाया हुआ है। और इस रिसीविंग को कैसे पता करें कि आपका यूटीआई से बना है या एनएसडीएल से, तो यहाँ पर साइन ऑफ ऑथेंटिकेशन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रिसीव फॉर द सबमिशन ऑफ यूटीआई यहाँ पर लिखा हुआ है, यूटीआई आईटीएसएल, तो इसी से आपको पता चल जाएगा। आपको इस तरह का अगर रिसीविंग आपको देखने को मिलेगा ऐसा, तो समझिए कि आपका एनएसडीएल का नहीं यूटीआई का रिसीविंग है। एनएसडीएल का रिसीविंग एक अलग तरीका से होता है। जो मेरे पास एनएसडीएल का रिसीविंग नहीं है, मैं इसमें आपको केवल बताऊंगा यूटीआई के माध्यम से यूटीआई के रिसीविंग से आपको कैसे पता करना होगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर यूटीआई ही यूज करता हूँ। यूटीआई सबसे बेस्ट हमें लगता है यूज करने में, यानी पैन कार्ड बनाने में, तो उसी एप्लीकेशन को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास पैन नंबर है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड का एप्लीकेशन चेक करने के लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर या कूपन नंबर जो यहाँ पर यू से स्टार्टिंग है, इसको आपको फिलअप कर लेना है। तो सबसे पहले मेरे यहाँ पर पैन नंबर है, यहाँ पैन कार्ड का एप्लीकेशन नंबर है रिसीविंग, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर या कूपन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर कूपन नंबर टोटल यहाँ पर दिया गया है जो यहाँ पर स्टार्टिंग है यू से, तो इसी वाले कूपन नंबर को आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए कहाँ पर फिलअप करना है वो मैं शो कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ यूटीआई पैन ट्रैक, तो मैं इस तरह से सर्च कर ले रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ यूटीआई पैन ट्रैक, इसको सर्च करूँगा। और यहाँ पर जो पहला एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा है यूटीआई टीएसएल ट्रैक योर पैन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा पेज, और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस वाले पेज में आने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर या कूपन नंबर डालना है, जो यहाँ पर मैं आपको ये वाला कूपन नंबर यहाँ पर दिखाया था, जो यहाँ पर आपको यूपीआई जो यूटीआई का जो कूपन नंबर है यहाँ पर जो देखने को, जो इसी वाले को आपको डाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कूपन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर भी, यहाँ से मैं कूपन नंबर को फिलअप कर लेता हूँ। साथ में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको दिया होगा डेट ऑफ बर्थ, इसको डाल लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको यहाँ पर कूपन नंबर डालेंगे, यहाँ पर आपको छोड़ देना है, यहाँ पर नहीं डालना है कुछ भी नहीं, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। इसके बाद ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में इस तरह से फिलअप करेंगे, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर सारा डिटेल डाल चुका हूँ, इसके बाद सबमिट वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन इस तरह से दिखाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में होगा तो यहाँ पर आपको टाइप में यह जो दिया गया है यहाँ पर स्टेटस, तो स्टेटस में यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग दिखाएगा। मेरे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर पैन नंबर आप देख पा रहे हैं, पैन नंबर यहाँ पर मिल चुका है मुझे, यहाँ पर पैन नंबर है। यहाँ पर रीजन में ईस्टर्न रीजन इसी तरह से रहता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको कूपन नंबर दिखाया जाएगा, और यहाँ पर आपका पैन का स्टेटस दिखाया जाएगा, टाइप दिखाया जाएगा कि आपका मतलब नया बनवाए हैं या सुधार करवाए हैं। जो नया बनवाए होंगे तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 49 दिखाएगा, अगर करेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर करेक्शन या चेंज यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। जो एप्लीकेंट का नाम रहेगा, एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा इस तरह से। अगर जब पैन कार्ड आपका बन जाता है, तो बन जाने के बाद जो मेल पर जाता है तो यहीं पर आपको लिख देगा मेल पर, जो मेल का कुछ डिजिट यहाँ पर दिखाएगा, जिस तरह से यहाँ पर स्टार में दिखाया गया है उसी तरह से स्टार स्टार करके यहाँ पर मेल कुछ दिखाया जाएगा, और टाइप वहाँ पर डेट भी दिखाएगा कि किस डेट में आपका मेल पर भेज दिया गया है। तो इस तरह से आप अपना यूटीआई का पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर इसमें अगर कोई भी अगर अभी भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।
अगर आप NSDL का अगर पैन कार्ड स्टेटस अगर देखना चाहते होंगे तो NSDL के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका भी एक एप्लीकेशन के लिए आपको नया वीडियो बना दूंगा।